जैसा कि दोस्तों मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि BSNL 4G धनबाद बोकारो में आ चुका है और इसके अलावा कई अन्य ज़िलों में भी BSNL 4G लॉन्च हो चुका है। लेकिन उस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारे कमेंट किए और आपने बताया कि BSNL 4G का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आपके मोबाइल में BSNL 4G नहीं आ रहा है। आखिरकार BSNL 4G का इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि BSNL 4G ऑफिशियली कब लॉन्च करेगा, क्या BSNL जितनी भी टावर इंस्टॉल कर रहा है इससे टावर की खपत पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में BSNL 4G का टावर नहीं आ रहा है तो इससे पहले आपको मोबाइल टावर के बारे में कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए। दोस्तों हालांकि टावर तो बहुत तरीके के होते हैं, 2G 3G 4G 5G यहां तक कि 6G भी आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम टावर 4G में अपग्रेड किए जा रहे हैं। अगर टावर की रेंज की बात करूँ तो 2G का रेंज 5 किलोमीटर के आसपास में होता है, 3G टावर की अगर बात करूँ तो उसका रेंज 3 से 4 किलोमीटर का होता है। अगर 4G की बात करूँ तो उसकी बैंड के अनुसार 500 मीटर से लेकर 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में होता है। अगर 5G की बात करूँ तो 500 से 700 मीटर का होता है। ऐसे ही आप टावर की रेंज को समझ सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपके उस पर्टिकुलर एरिए में कस्टमर कितने हैं। अगर मैक्सिमम कस्टमर होंगे तो टावर का नेटवर्क भी कम ही आपको मिलेगा। अब आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दिखाता हूं कि आखिरकार टावर कैसे वर्क करता है। इस वेबसाइट का नाम nperf.com है और इस वेबसाइट के थ्रू आप सारे टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा है या फिर नहीं है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2G, 3G, 4G और 5G का नेटवर्क शो कर रहा है जो कि अलग अलग कलर में है। ये आपको बताता है कि कौन सा नेटवर्क किस प्रकार का है और कौन सा कलर में है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर्च का ऑप्शन है तो सिंपल यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और अपने एरिया का नाम लिखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे धनबाद सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे नीचे कि धनबाद झारखंड लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सिंपली दोस्तों जैसे ही यहाँ पे जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आप कलर को मैच कर सकते हैं। मैक्सिमम कलर जो है ग्रीन कलर में है जो कि ग्रीन कलर 3G को दर्शा रहा है। उसी प्रकार थोड़ा सा और ज़्यादा जूम इन करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे 5 जगह में 4G टावर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिए में 4G इंस्टॉल किया जा चुका है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि 4G का रेंज बहुत ही कम होता है। हालांकि कॉलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए 4G का जो रेंज है बहुत कम होता है और उससे भी कम 5G का होता है। ऐसे ही आप और जूम इन करेंगे तो आप अपने एरिया का नाम भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से एरिया में 4G इंस्टॉल किया गया है और आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में 4G आ रहा है या फिर नहीं। ठीक इसी प्रकार जब आप जियो को सर्च करेंगे तब आपको नेटवर्क समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप सर्च के ऑप्शन में जाएंगे और सिंपली अपने एरिया का नाम सर्च करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम कलर 5G में आ रहा है जो कि जियो को दर्शा रहा है जो कि 5G बहुत हद तक इंस्टॉल किया जा चुका है। आपने कभी ना कभी जियो का नेटवर्क जरूर यूज किया होगा। जैसा इंटरनेट स्पीड आप यूज कर पा रहे हैं जियो का, ठीक उसी प्रकार यूज करने के लिए BSNL 4G को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरीके से BSNL 4G का इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा है और कौन सा नेटवर्क नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस प्रकार BSNL 4G का टावर इंस्टॉल किया जा रहा है, क्या हमें प्रॉपर तरीके से नेटवर्क मिल भी पाएगा या फिर नहीं। हालांकि BSNL तो ये भी दावा कर रहा है कि ऐसे ऐसे जगहों में टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं जहां पर अन्य कंपनियां अभी तक पहुंच नहीं पाई है। क्या हमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरह नेटवर्क मिल भी पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको कुछ आंकड़े से समझना पड़ेगा। अगर जियो और एयरटेल की बात करें तो उसके पास 2.5 लाख से ज़्यादा का नेटवर्क है यानी टावर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर BSNL की बात करें तो BSNL के पास मौजूदा 63,000 के आसपास में मोबाइल टावर हैं और उसमें से भी 20,000 से अधिक टावर जियो एयरटेल को भाड़े के तौर पर दिया गया है। तो देखा जाए तो मौजूदा 40,000 के आसपास में BSNL के पास अपना खुद का टावर है।
और सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी BSNL 4G को नए टावर यानी 110,000 टावर नए इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो BSNL 4G के पास खुद का 1.5 लाख के आसपास में टावर होगा, और जबकि अन्य टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन के पास 2.5 लाख से अधिक का टावर इंस्टॉल किया जा चुका है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां अभी भी जियो और एयरटेल का टावर नहीं मिल पाता है। में टावर दिख भी रहा है तो आप फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो BSNL के पास 1.5 लाख का जो अंक है बहुत कम है। ऐसे में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टावर इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का नेटवर्क इशू ना हो पाए। अगर दोस्तों BSNL 4G ऑफिशियली लॉन्च भी हो गया तो भी नेटवर्क इशू देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को अभी भी महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आपने पुट आउट कर लिया है, पहले के मुकाबले BSNL 3G बहुत कम स्पीड में चलता है या फिर ना के बराबर ही। घर के अंदर BSNL 3G तो चलता ही नहीं है। इसका मेन वजह है टावर पर अधिक लोड पड़ना, यानी टावर कम होना और कस्टमर का बेसिस बढ़ जाना। आखिरकार दोस्तों कि BSNL 4G कब तक लॉन्च करेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि BSNL 4G अक्टूबर माह के अंत तक लॉन्च हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। कभी 2025 मार्च का डेट कहा जा रहा है, कभी अक्टूबर 2024 का डेट बोला जा रहा है। ऐसे में ये भी कंफ्यूजन है कि ऑफिशियली डेट कौन सा होगा। हालांकि दोस्तों BSNL 4G को प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अभी भी साल भर का वक्त लग सकता है। अगर हाँ दोस्तों, एक बात तो जरूर है, अगर आपके एरिया में BSNL 4G इंस्टॉल किया जा चुका है और आप उस टावर के रेंज पे आते हैं तो आप बेशक बहुत ही अच्छी तरीके से BSNL 4G अन्य कंपनियों के मुकाबले बहुत फास्ट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो दोस्तों मोबाइल टावर के बारे में, BSNL 3G और 4G के बारे में, और आपके एरिया में BSNL 4G क्यों नहीं चल रहा है, सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें। वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।